देवताई संत प्रशासनिक सेवा के आपके परिणाम था जो बैठा रहा उसमें आपके सिर पर जीत का चेहरा बना है। शुरुआत कैसे रही और सफलता मिलने के बाद अब कितनी खुशी है आपके अपनों में और आपकी? जी सर, मैं सबसे पहले तो परम पिता परमेश्वर, अपने गुरुजनों, माता पिता और सभी दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूँ जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मुझे मार्गदर्शन और मोटिवेट किया, जिससे सफलता प्राप्त हुई और इसमें मैं बेहद गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रहा हूँ। मेरा ये सफ़र 2016 में ग्रेजुएशन करने के साथ शुरू हुआ था। 2016 में मैं ग्रेजुएशन करने के पश्चात जयपुर गया था। उसके बाद में मैंने वहाँ रहकर 3 साल तैयारी की, जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में मुझे 166वीं रैंक के साथ सफलता मिली। तो क्या रूटीन क्या रहता था वहाँ पर, किस तरह की पढ़ाई थी और क्या चीज़ें थी जिनको जो नेगेटिविटी वगैरह जो होती है उसको नज़दीक नहीं आने देती थी, किस तरह रूटीन किस तरह? जिस नॉर्मली तो सबसे पहले क्योंकि मैंने कोचिंग की तो नियमित क्लासेज अटेंड करता था। उसके बाद नियमित तौर पर हमारे टेस्ट सीरीज चलती रहती थी, तो टेस्ट सीरीज के आधार पर एक स्टडी कंटिन्यू रहती बनी रहती थी। आपको मोटिवेट होने की आवश्यकता पड़ती नहीं यदि आप टेस्ट सीरीज रेगुलर ज्वाइन करते रहते हैं। यदि बीच में डीमोटिवेट होते हो तो आपके पास एक दोस्तों का एक अच्छा सर्किल होना चाहिए जो आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं और अपना जो लक्ष्य है उसके बारे में आपको बताते रहते हैं, ताकि आप अपनी राह पर डटे रहें, अपने लक्ष्य से भटकें नहीं। तो दोस्तों ने मुझे इस मामले में बेहद मदद की। वो क्या चीज़ थी जो उन लाखों यूथ में से आपको अलग करके आज इस मुकाम पर ले आई? इस मेरे हिसाब से केवल और केवल निरंतरता। यदि हम एक ही लक्ष्य को मान के चलें, 2-3 लक्ष्य को एक जगह नहीं मान करके एक ही लक्ष्य, जैसे मैंने RS चुन लिया, तो उसके बाद मैंने किसी भी भर्ती परीक्षा का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। बीच में मेरे सेकंड गेट, फर्स्ट गेट सारे एग्ज़ाम आए थे, लेकिन मैंने किसी भी एग्ज़ाम को अटेंड नहीं किया, केवल और केवल RS का ही किया। और टेस्ट सीरीज़ मैंने कभी भी नहीं छोड़ी, टेस्ट सीरीज़ की वजह से और निरंतरता बनी रहने की वजह से ही मुझे यह सफलता। पहले का जो RS का पैटर्न था उसमें और आपने 2018 में उसमें काफ़ी चेंज हुआ, तो उसकी वजह से एजुकेशन जो रूटीन जो था उसमें चेंज करना पड़ा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी या फिर बहुत आसान हो गया? जी सर, पहले वाले और बाद में केवल और एक बड़ा बदलाव तो मैथ्स का करना था, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड था तो मेरे लिए एक नया था क्योंकि। लेकिन इसमें परिवर्तन के बाद एक अच्छी चीज़ ये थी कि जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, एथिक्स वगैरह, खेल और ये वो सबके लिए नए थे। जो सिलेबस में बदलाव हुआ वो किसी के लिए ऐसा नहीं कि वो उसमें एक्सपर्टाइज थे, और RS में एक विषय नहीं होकर के बहुत सारे विषय हैं, तो आपका किसी एक विषय में एक्सपर्टीज होना सफलता का पैमाना नहीं है, तो आपको सभी विषयों की अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। तो नए बदलाव के बाद मुझे नहीं लगता कोई परेशानी हुई, जबकि सिलेबस के अनुसार जो था उसी के अनुसार। आजकल के युग की बात करें जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का गोल लेकर चलता है, लेकिन बीच में रीट आती थर्ड उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? सर, मेरा यही कहना है कि यदि आपने एक ही लक्ष्य चुना है RS, तो कम से कम आपको जो पहला प्रयास है उसमें तो अपना पूरी मेहनत कर लेनी चाहिए। यदि पहले प्रयास में नहीं होता है तब आप अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं कि एक बैकअप ऑप्शन के रूप में तैयारी करें किसी अन्य का। आप एग्ज़ाम दीजिए अन्य भर्तियों के, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है वो एक ही भर्ती होना चाहिए, तो उससे आपकी जो सफलता का दायरा है वो बहुत नज़दीक है। आप जैसे कहने का आपने कोचिंग किया, उससे बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिया, अभी कोविड के जो हालात हैं उसमें ना तो कोचिंग सेंटर खुले हैं ना कुछ लाइब्रेरीज खुली हैं, ऐसे में यूथ जो है वो तैयारी कैसे करेगा? सर, एक तो जैसे कोई कोचिंग ज्वाइन ही करना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं बहुत सारे, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान में जो युवा अफसर पहले से चयनित हैं, RS RPS जो IAS प्रशासनिक अधिकारी, वो हर समय मेरे हिसाब से नए युवाओं के लिए मार्गदर्शन के तौर पर तैयार ही रहते हैं। जब भी उनसे आप किसी भी प्रकार की मदद मांगिए, किसी प्रकार का मार्गदर्शन मांगिए, वो हमेशा मार्गदर्शन को तैयार रहते हैं, तो उनसे मुझे बेहद मार्गदर्शन मिलता है। मैं नए युवाओं को भी यही सलाह दूंगा कि आप पहले से किसी भी सेलेक्टेड ऑफिसर के संपर्क में रहें, ताकि आपको एक अच्छी दिशा मिलती रहे, आप दिशा से भटकें नहीं, क्योंकि RS की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो दिशा है वो है। मेरा आखिरी सवाल, एक ज़माना हुआ करता था इक्का दुक्का अधिकारी को निकलता था बाद में से, इस बार तकरीबन 30 के करीब यूथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन करेंगे, ये बदलाव कितना सुखद है? सर, ये बदलाव बेहद सुखद और गौरवान्वित महसूस करने वाला है। पहले RS का चयन और बाड़मेर में बहुत कम लोग थे जो बाड़मेर से चयनित होते हैं, लेकिन जब से RS में और IAS में गंगा सिंह जी राजपुरोहित हुए हैं, और पिछली जो RS 2016 भर्ती हुई थी उसमें RS से दुदाराम जी हुडा वगैरह चयनित हुए थे, उनसे लोगों ने बेहद मोटिवेट मिला, उनको मार्गदर्शन हुए, और उसके बाद वर्तमान में करीबन 40 से भी ज़्यादा RS सेलेक्टेड बाड़मेर से हैं, तो वर्तमान में बेहद अन्य युवा है वो भी RS की तैयारी करने के लिए मोटिवेट हुए हैं। सुखद बदलाव है जी, बेहद सुखद।